एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस्ट्री रेंजर। और आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स ऐसे लेकर के आई हूँ जो वर्ब की तरह यूज होंगे। और ये याद रहे बच्चों, इन वर्ब के आगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, आपको ये लर्न करनी होगी कि इन वर्ड्स के आगे क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम लोग को लगानी है। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंसेज मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं एक एक वर्ड का सेंटेंस लिखूंगी फिलर्स के थ्रू, और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इसमें आपको लर्न करना है कि ये प्रेपोजिशन फिक्स है, आपको लगानी है। ठीक है, योर फर्स्ट सेंटेंस इज कंसिस्ट और कंप्राइज। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो वर्ड मैंने एक साथ लिखे हैं, कंसिस्ट और कंप्राइज, बोथ आर सेम, दोनों का मीन्स भी एक ही होता है, से मिलकर बना होना। तो अगर आप अपनी कॉपी में दोनों वर्ड्स के आगे से मिलकर बना होना लिख लेंगे तो कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है। आप अगर अपनी कॉपी में ये लिखते हैं और हिंदी में लिख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद आपको करना है। तो इससे ना डरें कि इंग्लिश की कॉपी में हिंदी आप डाल रहे हैं। बच्चे बहुत से क्या करते हैं, नोट्स बनाते तो हैं लेकिन उसको मेंटेन करने के चक्कर में अपना ये जो याद करने का तरीका होता है ये गलत कर लेते हैं। इसमें हिंदी आप लिख लेंगे तो आप ही को तो याद करना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कंसिस्ट और कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना, ताकि आपको भी ये पता रहे, से मिलकर बना होना दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन कंसिस्ट और कंप्राइज, यहाँ पे आप कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे, लेकिन बच्चों याद रहे कंप्राइज के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ होगा लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका जैसे कोई सेंटेंस बनाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर फुटबॉल टीम, हमारी जो फुटबॉल टीम है, आर फुटबॉल टीम कंसिस्ट डैश स्किल्ड 11 प्लेयर्स। ठीक है, हमारी जो फुटबॉल की टीम है वो मिलकर बनी है बहुत ही स्किल्ड 11 प्लेयर के प्लेयर से। ठीक है, 11 खिलाड़ियों से मिलकर के बनी है। तो अगर आपको ये याद है कि कंसिस्ट मतलब से मिलकर बना होना होता है और उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आप ऑफ लगाएंगे तो आप यहाँ पे ऑफ फिल कर लेंगे। लेकिन जैसे एरर्स होती है, एरर्स में क्या दे देते हैं, यही सेंटेंस ऐसे होगा आ फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ स्किल्ड 11 प्लेयर्स, तो ये गलत हो जाएगा, कंप्राइज के साथ कभी ऑफ आता ही नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम है लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, कंसिस्ट के साथ आप ऑफ लगाएंगे। डन, नाउ नेक्स्ट। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एंग्री के साथ विद कब लगाएं, एंग्री के साथ एट कब लगाएं। तो ये बच्चों ध्यान दीजिए, एंग्री विद हमेशा समबडी के लिए लगेगा और एंग्री एट फॉर समथिंग। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस किसी somebody पे है, एंग्री somebody पे है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे प्रेपोजिशन विद। अगर किसी चीज़ पे है तो आप लगाएंगे प्रेपोजिशन एट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ द ग्रेट एक्टर, सेंटेंस है द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री डैश मिसबिहेव ऑफ मिसबिहेव इन द पार्टी, करिए मिसबिहेव इन द पार्टी। ठीक है, द ग्रेट एक्टर डैश वॉज एंग्री, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री डैश मिसबिहेव इन द पार्टी। जो ग्रेट एक्टर है, जो एक महान एक्टर था या ग्रेट एक्टर था, वो क्या हुआ, एंग्री हुआ क्या कि पार्टी में मिसबिहेव से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि समथिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर सेंटेंस ऐसे होता है द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री डैश, यहाँ पे होता जैसे कोई वेटर हो, कोई पर्सन हो, कोई ऐसे दिया हो, कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, तब वहाँ पे आप एंग्री विद करते हैं। लेकिन ये जो मिसबिहेव है ये आपका केस में आएगा, ये आपका आएगा समथिंग में। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री एट मिसबिहेव इन द पार्टी।
ठीक है, इट मींस कि समथिंग होगा तो एंग्री एट, और अगर आपका कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई समबडी होगा, कोई पर्सन होगा, वेटर है, वेटर्स की उससे या फिर कोई पर्सन का नाम दिया है, तो वहाँ पे आप विद करेंगे, ठीक है। तो एंग्री विद फॉर समबडी और एंग्री एट विद फॉर समथिंग, ठीक है, चीज के लिए लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइट। इनवाइट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमेशा इनवाइट फॉर कर देते हैं, ठीक है। अगर इनवाइट के साथ हमेशा फिक्स्ड है, प्रीपोजिशन लगती है टू, जैसे सेंटेंस है राकेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज और समझे, जैसे ये पहले सेंटेंस सब्जेक्ट दिया है आपका राकेश, फिर उसके बाद दिया है हिज फ्रेंड्स, इट मींस ये प्लूरल है, और यहाँ पे बीच में जो दिया है अलोंग विद, ये कंजंक्शन है, तो आगे वर्ब क्या लगेगी, ये भी बच्चों की एरर आ जाती है और इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है तो वर्ब प्लूरल आएगी, नहीं बच्चों, जब भी आपका अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, ये जो आपके कंजंक्शन है दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो हमेशा आगे की जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहां पे बनेगा सेंटेंस राकेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज इनवाइटेड, फिर क्या लगेगा, इनवाइटेड टू द पार्टी एट नवनीत हॉल या कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना। तो आपने ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे बच्चे इनवाइटेड फॉर कर देते हैं, इनवाइटेड फॉर द पार्टी, जो कि गलत होता है, इनवाइटेड टू द पार्टी होता है, इनवाइटेड फॉर द पार्टी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैपेबल। कैपेबल होता है योग्य होना, और कैपेबल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन है ऑफ लगती है, कैपेबल ऑफ, जैसे सेंटेंस होगा आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करने योग्य हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, ऐसे, ठीक है। तो कैपेबल के साथ आप क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच होना, ठीक है। तो एक्सेसिबल के साथ फिक्स है, प्रेपोजिशन आप लगाएंगे टू, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस ले लें यहाँ पे, राम इज अ वेरी गुड पेंटर, राम इज अ वेरी गुड पेंटर, बट हिज पेंटिंग्स, बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल। बहुत अच्छा पेंटर है लेकिन उसकी जो पेंटिंग्स है आर नॉट एक्सेसिबल टू, कहाँ तक नहीं है उसकी पहुँच, टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक तक उसकी पेंटिंग की पहुँच नहीं है। तो आपका ये देखिए, आप सेंटेंस यहाँ पे जो एरर करके दे देते हैं, एक्सेसिबल विद कर देते हैं, एक्सेसिबल फोर कर देते हैं, एक्सेसिबल ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपको याद है कि पहुँच होना कहाँ तक, तो एक्सेसिबल टू लगता है प्रेपोजिशन। तो सेंटेंस है राम इज़ अ वेरी गुड पेंटर, राम जो है बहुत अच्छा पेंटर है, लेकिन उसकी जो पेंटिंग्स हैं वो पब्लिक तक उसकी पेंटिंग्स की पहुँच नहीं है। तो पहुँच होना दैट मीन्स ऑफ एक्सेसिबल, और एक्सेसिबल के साथ फिक्स है, प्रेपोजिशन आप लगाएंगे टू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पाइट एंड डेस्पाइट। बोथ आर सेम, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, यहां पे मैं हिंदी लिख दे रही हूं, के बावजूद। इंस्पाइट और डेस्पाइट बोथ आर सेम, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। एक होता है इंस्टीड ऑफ, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंस्टीड ऑफ अलग है, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, वो नहीं है ये के बजाय, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इसको, इंस्पाइट और डेस्पाइट। ये जो इंस्पाइट है इसके साथ आप ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब कोई प्रेपोजिशन लगती ही नहीं है। इंस्पाइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है आप लगाएंगे, और डेस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन आप नहीं लगाएंगे। जैसे सेंटेंस बनाएगा ऐसे, जैसे बोले इंस्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टैक्ट्स, मतलब हमारे अच्छे संबंध होने के बावजूद, कॉन्टैक्ट्स, वी कुड नॉट गेट टिकेट्स फॉर मूवी, ठीक है, या फॉर माई फ्रेंड्स।
हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट होने के बावजूद हम टिकट का अरेंज नहीं कर पाए, नहीं ले पाए अपने मूवी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी आगे सेंटेंस हो। तो आपने बस ध्यान देना है कि दोनों का मीन्स तो एक है, के बावजूद, इंस्पाइट मतलब भी के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद, लेकिन इंस्पाइट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आप ऑफ लगाएंगे, लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेट एंड वेट एंड अवेट। वेट मतलब भी होता है इंतजार करना, अवेट मतलब भी होता है इंतजार करना, लेकिन वेट के साथ प्रेपोजिशन लगती है फोर, और अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये याद रहे बच्चों, वेट के साथ फोर लगाएंगे, लेकिन अवेट के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक और दिया हुआ है ब्लाइंड, और ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू में क्या डिफरेंस है, देखिए, ब्लाइंड इन मतलब होता है एक आंख से अंधा होना। जैसे सेंटेंस हो, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। इट इस लाइन का मतलब है वो एक आंख से अंधा है। अगर सेंटेंस में ब्लाइंड टू यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। सेंटेंस अगर ऐसे हो, ही ऑलवेज ऑलवेज ब्लाइंड टू मी, ही ऑलवेज ब्लाइंड टू मी व्हेनेवर आई आस्क फॉर माई मनी। जब भी मैं उससे अपने पैसे मांगता हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देता है। तो ब्लाइंड टू मतलब इग्नोर करना, और ब्लाइंड इन मतलब होता है एक आंख से अंधा होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेनरेबल एंड वल्नरेबल। वेनरेबल मतलब होता है रेस्पेक्टफुल। दोनों का मीन्स अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए बच्चे एक साथ इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ध्यान से करेंगे, वेनरेबल मतलब होता है रेस्पेक्टफुल, और वल्नरेबल मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, इसके साथ प्रेपोजिशन लगते हैं टू, और वल्नरेबल मतलब होता है ईजिली अफेक्टेड। ईजिली अफेक्टेड मतलब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ शी इज, सेंटेंस इसका बनेगा शी इज वल्नरेबल वल्नरेबल टू कोल्ड, ठीक है। सर्दी से वो प्रभावित हो गए, वल्नरेबल टू कोल्ड, सेंसिटिव होना, ठीक है। सेंसिटिव होना, इजीली अफेक्टेड होना, वीक हो जाना, इसका मतलब होता है वल्नरेबल का। और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आप लगाएंगे टू, और लेकिन वेनरेबल अलग है, दोनों के प्रोनाउंस में अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन थोड़ा सा सेम लगता है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। वेनरेबल रेस्पेक्टफुल, और वल्नरेबल वीक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट। दोनों का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर दोनों का मतलब होता है जांच करना, लेकिन इंक्वायर के साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन लगाएंगे इन टू, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रेपोजिशन आप कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये याद रहे बच्चों, इंक्वायर इन टू होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इन टू नहीं होता है। जैसे सेंटेंस बनता है, कभी भी कोई भी सेंटेंस बोले ही एंटर्ड इन टू द रूम, तो ये गलत होता है। अगर आप किसी रूम में प्रवेश कर रहे हैं तो एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन एक आज आपको एक एडवांस चीज बता दें, अगर सेंटेंस में कहीं पे आप एंटर इनटू पाते हैं और वो सेंटेंस ठीक है, विद नो एरर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, एंटर इनटू मतलब भी होता है सहमत होना। जैसे हो सेंटेंस ही एंटर इनटू द एग्रीमेंट, मतलब वो उस एग्रीमेंट से सहमत है, तो एंटर इनटू मतलब होता है सहमत होना। लेकिन जैसे प्रवेश करने की बात हो, ही एंटर इनटू द रूम, तो वो गलत होगा। एंटर के साथ कोई इनटू प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ऐसे यहां पे इंक्वायर इनटू नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट इंक्वायर इनटू होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू कभी भी नहीं होगा। तो देखा आपने, ये जो वर्ड्स थे किन के साथ, आपने देखा दो वर्ड्स मैंने एक साथ सबके लिखा है, सबके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगी हुई हैं, और किसके साथ क्या फिक्स प्रेपोजिशन है ये भी आपने देखा। किसी कोई कोई वर्ड्स है जिसके साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ नहीं लगाना है, जो मीन्स में सेम है। जैसे यहाँ पे इंस्पाइट और डेस्पाइट, मीन्स तो दोनों का सेम है, लेकिन इंस्पाइट के साथ लगता है, डेस्पाइट के साथ नहीं लगता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पहली वीडियो जो इसी से रिलेटेड है, उसमें मैंने आपको ट्रिक्स से
एक स्टोरी बेस्ड वर्ड्स कराएं जो वर्ब के थ्रू आपके सेंटेंस में यूज़ होते हैं, उनके साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगते हैं। उसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड है प्रपोजिशन लेते हैं। थर्ड वीडियो मैंने आपको ये बताई है कि जो वर्ड सेम देखने में लगेंगे लेकिन आप उनके साथ कभी किसी वर्ड्स के साथ लगते हैं और किसी के साथ नहीं लगते। तो बहुत ध्यान से इन तीनों वीडियो को फॉलो करेंगे। आई होप कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगी। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।